अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ खैरियत से। दोस्तों वेलकम टू साडा यूट्यूब चैनल शफकत व्लॉग। मैं थोड़ा अपना शफकत। जो दोस्त साडे चैनल ते नए हैं, जल्दी जल्दी साडे चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। यार एक सवाल साडे कोल पुछया वेंदा है, भाईजान भाई इकोलाई एक केड़ी शहर सोकड़ा जिन्हों आख्या वेंदा, बाद बाद लोग सोकड़ा भी आखदे ने, इकोलाई या सोकड़े दा सानू इलाज दस्सो, मुझे हाल दस्सो जी। यार इकोलाई या सोकड़ा ये पारू कौन ही आंदा है? शेड के अंदर थोड़े अपने जानवर के अंदर मौजूद होंगे हर वक्त, जिसकी थोड़ी पहचान करनी चाहिए। पहचान करने वास्ते के जरूरी है, ये भी आज नाल थोन दस दें। ठीक है, अक्सर लोगों का इलम होंगे सोकड़ा आना, जी इकोलाई सामने पता। इकोलाई सब तो ज़्यादा भाई जी पानी का मसला हो, उस वजह से ज़्यादा आँगी इकोलाई। ठीक है, एक दूसरा अंदर थोड़ा मिल्क मैक्सिमम टेंपरेचर कवर ना हो, टेंपरेचर थोड़ा अंदर गैस ज़्यादा रहे, इसी वजह से इकोलाई ज़्यादा बनती है। फीड कोई बीमारी थानू आए, कोई भी बीमारी थानू आई, वो इकोलाई लाजमी तैयार होती है, लाजमी इकोलाई गिफ्ट है थोड़ा। इकोलाई और बुखार जरा गिफ्ट मिलता है, इस वजह से छोटी छोटी चीज़ों में कवरिंग किया करो, छोटी छोटी चीज़ों में गौर किया करो, इसके के सिस्टम होना चाहिए के नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग लागरजी करते हैं जिंदगी, और उस कौलियाँ थोड़े बर्तन सफाई ना होनी, इस वजह तो इकोलाई थोड़ा ज़्यादा होना है, क्योंकि इकोलाई जी बहुत ज़्यादा बनती है शेड के अंदर। इकोलाई जो सी थोड़ा शेड तो मुश्किल मसायर बन सी, डाक्सी लानी पोसी, हर किस्म की दवाई खून लानी पोसी। इकोलाई साफ है, इकोलाई एक बीमारी है, एक आम बीमारी है, हर शेड के मौजूद होती है, जानदार के अंदर मौजूद होती है, यानी हर जगह पर मौजूद होती है, तो कोई वायरस नहीं है कोई किसी का। इस वास्ते तो गौर किया करो, थोड़ा थोड़ा इनू टफ टाइम देने वास्ते, टफ टाइम भी दे जाती है बाद फलाक के, इतना टफ टाइम फलाक ही देती है जिंदगी इंतहा ही नहीं होती। देखिए टेंपरेचर थोड़ा दिखा रहा, 3-8-6 दिन का साडा जानवर, सॉरी 7 दिन का साडा जानवर है, 3-8-12 नमी, इस तरह टेंपरेचर और नमी थोड़ी मैक्सिमम क्लीयर होनी चाहिए। टेंपरेचर थोड़ा क्लीयर हो सी, नमी थोड़ी क्लीयर हो सी, थोड़ा माहौल जोड़ा बड़ा ओके रहा सी। अगर थोड़ा टेंपरेचर नमी क्लीयर ना हो सी, थोड़े अंदर गैस बनती शेड के अंदर, इस तरह सारे मसले मसायर बन सन, तो फिर तुम ना जनाब अजाब से चढ़ जा सो, ये सारी चीज़ें गौर कर सो तो कम बन सी, नहीं तो एवें नहीं बनता। नमी टेंपरेचर थोड़ी हर चीज़ क्लीयर आसी तो ही है, हर चीज़ ने गौर करना पौधा, थोड़े थोड़े मसले मसायल गौर करो, गौर करने फिर थोड़े मसले हल होंगे, एवें हल नहीं होंगे। जानवर थोड़ा शेड के अंदर इस तरह बताना चाहिए, कला 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 बिल्कुल कला कला जानवर हो, पता लगे साडा जानवर कला कला है। इकोलाई शेड के अंदर मौजूद होंगी, इकोलाई का सस्ता तरीन इलाज हो जी थोड़ा, वह भी दस देव ये इकोलाई सस्ते तरीन तीन चार इलाज। कुछ लोग सिरका चलाते हैं, कुछ लोग कोलेस्ट्रिया सॉरी चलाते हैं, ब्लीच भी चलाते हैं इकोलाई वास्ते, कोलेस्ट्रीन भी चलती है, नियोमाइसिन भी चलता है, मुख्तलिफ सिरका भी चलता है, पीएच कंट्रोलर भी चलता है, यानी दूसरा सॉरी एसड आर्गन एसड भी चलता है, आर्गन एसड भी चला सकते हो, मुख्तलिफ चीज़ें तुम चला सकते हो। यार लाजमी नहीं है कि तुम जी चीज़ फोन कट कर जाओ तुम वो चला दो, लेकिन इकोलाई शेड के अंदर मौजूद होती है, जिन्हों सोकड़ापन आख्या वादा है। अक्सर बंद नहीं पता होता भाई सोकड़ा किस वजह से, सारे जानवर सोकड़ा हो रहा जी, सोकड़ा इकोलाई हो रही है, इकोलाई की निशानी बाढ़ के अंदर यही आती है, चूहा पाड़ सो वो अंदर पीला पीला सॉरी सफेद सफेद गिली बनी हुई उसी, सफेद सफेद परता जी वसल का होंगे, वसल टाइप बनना शुरू होती, फिर ऐसा 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 सफेद सफेद बनना। इन कुछ लोग इनू मेरी राय तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग इन्हें जरकान टाइप भी कह देते, जरकान हो गया समझे थोड़े की, लेकिन जरकान वाला नहीं होता, जरकान और चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं थोड़ा भी शेयर कर दूँ, जो मेरे नॉलेज चाहिए चीज़ ओपना फार्म वाले शेड वाले जड़े ने चीज़ा मैं दसते रहेंगे, मैं नाले भी थोड़े चीज़ दस देंगे। इकोलाई हो गए ये दरअसल आँधी किस वजह तू भाई, एक तो सवाल सी दरअसल भाई जान थोड़े शेड के अंदर मौजूद होंगी, थोड़ा माहौल ना ठीक हो, कुछ भी ना हो, इन वजूहत तो क्लीयर आँदी रही है। इकोलाई इकोलाई जी लाजमी शेड के अंदर आँदी है, जनाब इकोलाई शेड के अंदर आँदी रही है, थोड़े इकोलाई हो गई, उसके बाद सीआरडी सीसीआरडी और अर्ली चार्ली जी लोग पुछ पाते यार साडा जिक्स जड़ा ना एवें हो गया, साढ़े नाल एवें हो गया, एवें हो गया लैना
अर्ली चार्ली साड़ी मोटैलिटी ज्यादा हो रही है। अर्ली चार्ली मोटैलिटी थोड़ी वजह नहीं सोच ज्यादा होती, थोड़ा टेंपरेचर मेंटेन नहीं करना, टेंपरेचर मेंटेन रखो थोड़ी मोटैलिटी ना हो। जो थोड़ा टेंपरेचर नहीं मेंटेन होना फिर थोड़ा के बढ़ना, कुछ भी नहीं बढ़ना है। ये सारी चीज़ें जी कुछ, और एक और चीज़ चूजन हवा खुली दो, कह दो चूजा जरा उन्होंने हवा खुली दो, हवा खुली दे सो थोड़ा चूजा जरा काम करसी, हवा खुली ना दे सो थोड़ा चूजा के करसी, कुछ भी ना कर सी। चूजे अक्सर लोग हवा ही नहीं देंगे, के बे हवा ही चूजे नहीं देंगे, तो हवा ना देने जना के होंगे फिर थोड़ा चूजन हवा लाजमी दिती करो यार, मेरी गैर रिक्वेस्ट है थोड़े के भाई चूजन हवा खुली दिती करो, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ। कुछ लोग जना ब्रूडर चले हुए सी उधर जना उधर पखा चले हुए, नहीं है एवं हवा नहीं होनी, हवा जी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी जगह रिक्वायरमेंट तो थोड़ा नहीं। तो मैं एक पिछले वीडियो अपलोड की अपने चैनल जाके चेक कर सकते हो, लव ऐसी चीज उस किस्म की जानी हवा तुम दे, सिलसिले सर्दियों हवा दो गर्मियों हवा दो, गर्मी तो खैर टर्नल आँदी है ये मिनीम हो मैक्सीम ये मिनीम तो फुला के नहीं देते, थोड़ी तवजो ज़्यादा देनी चाहिए थोड़ा, तवजो ज़्यादा दे सो तो फिर कम बन सी, तवजो ना दे सो कम नहीं बढ़ना। डैक के सुराख सारे अगे पिछे थोड़ी चीज़ें बिल्कुल क्लीयर होनी चाहिए, देखो ना डैक खड़ी है साड़ी बिल्कुल सोलह ने सीधी डैक खड़ी है दोनों पास, ये सारी चीज़ों क्लीयर कर सो थोड़े फुला हल्दी अस नहीं तो ना इक्ल आइए थोड़ा पता लगे इस बार और किसी चीज़ की गलम तो थोड़ा दस दिखा जनाब जी, मिलते हैं और किसी नैक्सट वीडियो नैक्सट टॉपिक के बिच।